चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे और आप सारी की सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। बेसिक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो क्वेश्चन इस रूल को सेटिस्फाई करता है क्या। अगर वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर ये कंडीशन बराबर है, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है, इसका मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन अप्लाई करके आपको आंसर निकालना है और सम खत्म। राइट, इजी बीजी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है और एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल वो बेसिक है। आने वाले वीडियोस में प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बना के रखी है मैंने, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आने वाले वीडियोस में डिफिकल्टी लेवल और हार्ड भी होने वाली है, एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसलिए मैं डिफिकल्टी लेवल बेसिक रख रहा हूँ। अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है रूल चेक करो, क्या ये क्वेश्चन उस रूल को सेटिस्फाई करता है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये उसी फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल उस फॉर्म में, मतलब रूल को सेटिस्फाई करता है। अगर रूल्स उसको सेटिस्फाई करता है हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है। कंडीशन चेक करने के लिए हमें m और n की वैल्यू पता होना जरूरी है। अब इधर m और n की वैल्यू हमें पता है, ये हमारा m है, ये हमारा n है। राइट, सो m इज इक्वल टू, आई मीन उनकी वैल्यू मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, 4x प्लस 3y माइनस 4, राइट, और n इज इक्वल टू 3x माइनस 7y माइनस 3। राइट, एम और एन की वैल्यू सेपरेटली लिख दी। अब कंडीशन चेक करेंगे, मतलब चेक करेंगे क्या डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है क्या। सो सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, सो इनको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया गया तो आंसर जीरो आएगा, क्योंकि इसमें कोई वाई का टर्म है नहीं। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया थ्री कॉमन आएगा, आई मीन बाहर आएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। और अगर वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा वन, तो अगर यहाँ पे वन लिखा तो थ्री आने वाला है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि इसमें कोई वाई का टर्म है नहीं। देन डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो थ्री बार आएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। और अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा वन, तो यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन इंटू थ्री वन ही होता है, यहाँ पे सेम होता। एंड उसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि इसमें कोई एक्स का टर्म है नहीं। और अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो आंसर आएगा जीरो, क्योंकि इसमें भी कोई एक्स का टर्म है नहीं। एंड बाय द वे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। सो क्या डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, दोनों की वैल्यूज थ्री है, और इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। राइट, इसका मतलब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज एग्जैक्ट। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि बाद में जो आने वाले सम्स है, मतलब इसका अगला टॉपिक, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता, तो उसको हमें एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, उसके ऊपर वो टॉपिक है। ठीक है, बट इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, उसके बाद वो टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनीवे, वो बात का पॉइंट है। सो अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अब इसका क्या फायदा है, इसका डायरेक्टली सोल्यूशन आता है, ये उसका फायदा है। सो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। सो क्या है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वाई कॉन्स्टेंट और नो एक्स, सो वो भी यहाँ पे लिखूंगा मैं, वाई कॉन्स्टेंट और नो एक्स। अब ये है क्या, देखो मैं आपको बताऊंगा। देखो 99.99% ऑफ द टाइम्स यही यूज होता है, ये क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको ये चीज अभी समझने की जरूरत है। 99.99% ऑफ द टाइम्स ये यूज होता है, 1% ऑफ द टाइम्स ऐसे कुछ रेयर सम्स होता है जो रेयरली एग्जाम में आता है, तो वैसे सम्स में इसका रिवर्स यूज होता है। तो वैसा भी एक सम हमने हमारे प्लेलिस्ट के अंदर सॉल्व किया है, बिल्कुल सीरीज में अरेंज है प्लेलिस्ट, उसका टेंशन नहीं लेना है, तो आपको तब समझ जाएगा कि कौन से वो 1% वाले सम्स है। ठीक है, बट अभी के लिए यही वाला, हमेशा हम यही अप्लाई करते हैं। राइट, सो अभी हम यही अप्लाई करेंगे। अब इसका क्या, कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4, सो 4x प्लस 3y माइनस 4 और dx प्लस, और यहाँ पे वन मोर थिंग,
यहाँ पे सी है, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा गलती से, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जाम में जीरो लिखा आपने गलती से भी, तो आंसर आई मीन एग्जामिनर जीरो मार्क्स देने वाला है, तो यहाँ पे सी लिखने का है हमेशा। एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, अब यहाँ पे मैंने लिखा है नो एक्स, मतलब कोई भी एक्स का टर्म नहीं चलेगा। अब यहाँ पे ये हमारा एन है तो इसमें एक्स है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि उसमें एक्स है। अब इसमें एक्स नहीं है और इसमें भी एक्स नहीं है, तो यही दो टर्म्स लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेवन वाई एंड माइनस थ्री डी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको अगर एक्स के साथ इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, देखो इधर मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे थ्री एक्स वाई माइनस इसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे फोर एक्स प्लस इसको एक्स आई मीन अभी वाई शुरू हो गया। सो अभी इसको अगर वाई के साथ इंटीग्रेट किया तो आंसर आएगा माइनस सेवन वाई स्क्वायर अपॉन टू एंड उसके बाद इसको अगर वाई के साथ इंटीग्रेट किया तो आएगा माइनस थ्री वाई राइट एंड इज इक्वल टू सी। अब क्या काटा काटी का स्कोप है यहाँ पे, हाँ ये कट रहा है और ये कट के टू आएगा, देन ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। सो बेसिकली टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स माइनस सेवन वाई स्क्वायर अपॉन टू एंड माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका फाइनल आंसर है। व्हाट्स अप प्लांटो जो सामी, ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जांपल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे। इसलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पे जाके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपकी और ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इससे हम दोनों साथ में मिलके अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं राइट। इसीलिए अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।